परीक्षा विज्ञान आज का टॉपिक है परीक्षा विज्ञान, और मैं हूँ डॉक्टर श्याम वीर गुरैया, असिस्टेंट प्रोफेसर, रोग निदान डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। आज हम पढ़ेंगे परीक्षा विज्ञान कि किस प्रकार से रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। पहले हमने पढ़ा था रोग परीक्षा, जो कि पंच निदान के द्वारा होती थी। अब नेक्स्ट देखते हैं रोगी की परीक्षा किस प्रकार से, इसे परीक्षा विज्ञान अध्याय के अंदर बताया गया है कि रोग की परीक्षा किस किस प्रकार से करनी चाहिए। यह एक रोग निदान विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसमें सबसे पहले परीक्षा विज्ञान का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज एसेंशियली दैट फिजिशियन शुड एग्जाम द डिजीज थ्रूली एंड अराइव एट ए प्रॉपर डायग्नोसिस, व्याधि निर्णय आफ्टर वर्स नोइंग फुल्ली अबाउट द नेचर एटसेट्रा ऑफ डिजीज, ही शुड कमेंस द चिकित्सा ट्रीटमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग सुटेबल औषधे और बाय एम्प्लॉइंग ए प्रोसीजर, एग्जाम्पल स्नेहन, लेप एटसेट्रा। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन क्लासिक्स ऑफ आयुर्वेदा, विच विल बी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज, एस्टिमेटिंग द स्टेटस ऑफ ए रोगीवल एंड रोगवल। अब देखो इसके क्लासिफिकेशन, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परीक्षा के, रोगी की परीक्षा के अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं, अलग अलग प्रकार बताए हैं। जैसे द्विविध परीक्षा में कौन क्या आते हैं, प्रत्यक्ष के द्वारा और अनुमान के द्वारा द्विविध परीक्षा कर सकते हैं। त्रिविध परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एंड अनुमान। दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा और प्रश्न परीक्षा के द्वारा भी त्रिविध परीक्षा कर सकते हैं। चतुर्विध परीक्षा, तो अभी देखो त्रिविध परीक्षा अपन ने देखा है तीन तीन प्रकार से, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, और अन्य तीन कौन कौन से, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। अब नेक्स्ट देखते हैं चतुर्विध परीक्षा। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड युक्ति, ये चार प्रकार से चतुर्विध परीक्षा हो गई। अब देखते हैं षड्विध परीक्षा, पंचेंद्रिय परीक्षा एंड प्रश्न परीक्षा, पांच इंद्रियों के द्वारा और एक प्रश्न पूछकर, रोगी से प्रश्न पूछकर, इस प्रकार के छह प्रकार से षड्विध परीक्षा होती है। अब अष्ट स्थान परीक्षा, नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, द्रव्य और आकृति परीक्षा। यह आचार्य योग रत्नाकर और आचार्य सारंगधर अष्ट स्थान परीक्षा का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से अष्ट स्थान परीक्षा बताई गई है। नेक्स्ट नवविध परीक्षा, दोष परीक्षा, औसत परीक्षा, देश परीक्षा, काल, सातम्य, अग्नि, सत्व, व एंड बल परीक्षा। इस प्रकार से नवविध परीक्षा का वर्णन बताया गया है। दसविध परीक्षा, प्रकृति, विकृति, सहार, सहनन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति एंड व्यय परीक्षा। इस प्रकार से आचार्य चरक ने दसवीं परीक्षा का वर्णन किया है। एकादश परीक्षा, दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार परीक्षा, सातम्य, सत्व, प्रकृति एंड व्यय परीक्षा। इस प्रकार से एकादश परीक्षा का वर्णन बताया गया है। चरकोक्त द्वादश विध परीक्षा, आचार्य चरक ने 12 प्रकार से, द्वादश प्रकार से भी परीक्षा का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है, दोष परीक्षा, वैशेष परीक्षा, देश परीक्षा, काल परीक्षा, बल परीक्षा, शरीर परीक्षा, सार परीक्षा, आहार परीक्षा, सातम्य परीक्षा, सत्व परीक्षा, प्रकृति परीक्षा एंड व्यय परीक्षा।
और सुश्रुत ने भी द्वादश विध परीक्षा का वर्णन किया है जो इस प्रकार है, दोष परीक्षा, पेशस परीक्षा, देश परीक्षा, काल परीक्षा, बल परीक्षा, शरीर परीक्षा, सार परीक्षा, आहार परीक्षा, तातम्य परीक्षा, सत्व परीक्षा, प्रकृति परीक्षा और वह परीक्षा। इस प्रकार से परीक्षा विज्ञान टॉपिक में सभी आचार्यों ने अलग अलग परीक्षाओं का क्लासिफिकेशन किया है जो इस प्रकार बता दिया गया है। अब आचार्य योग रत्नाकर ने जो अष्ट स्थान परीक्षा का वर्णन किया है अब उसके बारे में हम यहाँ पे वर्णन करते हैं। अष्ट स्थान रोगी परीक्षा एट फोल्ड एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, नाड़ी परीक्षा पल्स स्टडी करेंगे, मूत्र परीक्षा एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, मल परीक्षा में स्टूल एग्जामिनेशन, जिव्या परीक्षा, टंग एग्जामिनेशन, शब्द परीक्षा, वॉइस एग्जामिनेशन, स्पर्श परीक्षा, स्किन एग्जामिनेशन, दीर्घ परीक्षा आई एग्जामिनेशन और आकृति परीक्षा जनरल अपीयरेंस ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसमें सबसे पहले नाड़ी परीक्षा का वर्णन बताया गया है आपके सिलेबस में। नाड़ी परीक्षा है जैसे पल्स स्टडीज समझेंगे, पर्याय ऑफ नाड़ी, नाड़ी के क्या क्या पर्याय बताए गए हैं, स्नायु, नाड़ी, हंसी, धमनी, धरणी, धरा, कंटुकी एंड जीवन ज्ञान। इस प्रकार से नाड़ी के पर्याय बता दिए गए हैं। और नाड़ी की लोकेशन देखते हैं, वात, पित्त, कफ, नाड़ीज लाइज रेस्पेक्टिवली अंडर तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर होती है, मध्य में जो मिडल फिंगर एंड अनामिका रिंग फिंगर ऑफ एग्जामिनिंग फिजिशियन। तो वात, पित्त, कफ, दोष का नाड़ी का पता हम तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगली के द्वारा क्रम से करते हैं। अब त्रिदोष एग्जामिनेशन, थ्री फिंगर्स प्लेस एंड पोजिशन ओवर नाड़ी इंडिकेट द कंडीशन ऑफ द दोषा त्रिदोषाज एंड देयर गति, मध्य, मध्यम और तीक्ष्ण। द इंडेक्स फिंगर डिनोट वात एंड मिडल फिंगर पित्त एंड द रिंग फिंगर कफ। नाड़ी परीक्षा ऑफर्स नॉलेज अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोसा वात पित्त एंड कफ, द्वंद्वज एंड त्रिदोषज ऑल थ्री दोसाज एंड साध्य साध्यता प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज। इस प्रकार से अष्ट स्थान परीक्षा का वर्णन किया गया है। इसमें नाड़ी परीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर केवल नाड़ी परीक्षा का वर्णन किया गया है। इससे संबंधित आपको किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्व करेंगे। थैंक यू।